सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का। तो सबसे पहले हम उसका जो मैरिनेट करने का बैटर है उसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ले रही हूँ, इसे कहते हैं बेसन सद्दू, ये चीज़ें होती है। अगर आपके पास बेसन भुना हुआ नहीं है तो उसको भून लीजिए, और अगर आपके पास भूंगड़े हैं तो उसका भी आप वो डाल सकते हैं पीस कर पेस्ट। तो दोनों ही चीज़ें, कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो ये इतना मैंने 5 चम्मच, ही जो अपनी नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है, इतना मैंने ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। और मैं ये आपको बता दूँ, वो जो छोटे पैकेट आते हैं इसके पनीर के 250 ग्राम के, वो मैंने 3 पैकेट लिए हैं, तो उसके हिसाब से मैं ये बना रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। सॉरी, और ये है काली मिर्च, जरा सी डाली है मैंने थोड़ी। इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने 1 चम्मच ही डाली है, बाकी हम बाद में डालेंगे, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। ये चंकी चाट का मसाला, ये लगभग 1.5 चम्मच डाला है मैंने। और जो सादा खाने वाला नमक होता है ये थोड़ा सा, और ये देखिए, ये मैंने दही को, मतलब हैंकर जो बनाते हैं वो मैंने बना लिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये लगभग मैंने बनाया था 1.5 किलो दूध में, तो मैंने आधा डाल दिया है जो बनाया था उसका, पूरे का। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले अब मैं इसमें, उससे पहले मैं डाल देती हूँ, अगर आपका दही खट्टा है ज़्यादा तो आपको ये थोड़ा कम ही डालना है, लेकिन अगर खट्टा नहीं है तो आपको नींबू पूरा 1 चम्मच डालना है। तो मैंने इतना नींबू ले लिया है, खट्टा नहीं है मेरा दही, तो 1 चम्मच के लगभग मैंने ये नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है। ये फ्रेंड्स, मैंने इसमें नॉर्मल थोड़ा सा दही डाल लिया था ताकि इतना सूखा पन ना रहे इसमें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सिर्फ पनीर मैरिनेट के लिए है, अगर आप उसको भी मैरिनेट कर दें प्याज और शिमला मिर्च को, तो उसके लिए आप और ज्यादा बना लीजिएगा, एक साथ ही कर रहे हैं तो। मैं पहले सिर्फ पनीर को करूंगी। अब इसमें क्या करना है, हमको थोड़ी सी मिर्च और डालनी है इसके ऊपर, अब इसको छेड़ना नहीं है। दिखाओ, ये मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी इस पर। अब जो काम है वो मेन है, इसमें हम लगाएंगे सरसों का तेल का छौंकन जैसा एकदम तड़का। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, एकदम सरसों का तेल धुआंधार गर्म हो चुका है, ऐसे ही करके हमको इसमें ये डाल देना है। आधा डाला है मैंने, मतलब 4 चम्मच मैंने डाल दी है इसमें लगभग, एकदम यम्मी टेस्टी ये लगेगा इसके
इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको दुकान जैसा चाहिए एकदम, तो इसमें रेड फूड कलर खूब सारा डालना पड़ेगा, तभी वो तंदूरी आएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। लेकिन हमने डाला नहीं है, वो कश्मीरी लाल मिर्च से थोड़ा कलर आ जाता है, बाकी कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, हेल्दी बनाना है। तो इसमें हम डाल देंगे हमारे पनीर क्यूब्स और फ्रेंच, इसमें मैं डाल दूंगी अपने पनीर, और इनको हम अच्छे से कोट कर लेंगे। इसमें मैं शिमला मिर्च अलग से कोट करूंगी, सेम मैरिनेशन बनेगा, इसको अच्छा रहेगा आप अपने हाथ से कोट करें, क्योंकि चम्मच से टूटने का डर रहता है, और ऐसे हम अच्छे से कोट भी कर पाएंगे इसको। मैंने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया था। इसको हम 2 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रखेंगे। उसका रीज़न क्या है फ्रिज में रखने का, कि जो पनीर है वो थोड़ा सॉफ्ट नहीं रहेगा, हार्ड हो जाएगा, तो वो क्या है लटकेगा नहीं, नीचे नहीं गिरेगा, नहीं तो ये आपकी स्टिक में से नीचे निकल कर गिर जाएगा, और इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो भी इसके चिपक जाएगी, अच्छे से हार्ड हो जाएगी, नहीं तो ये भी टपक टपक कर नीचे आती है। तो इसलिए हमको इसको 2 घंटे कम से कम फ्रिज में रखना है, फ्रिजर में नहीं रखना है, फ्रिज में ही रखना है 2 घंटे के लिए। अब ये देखिए अच्छे से कोट हो चुका है पूरा मसाले से, अब मैं इसको रखने जा रही हूँ 2 घंटे के लिए। ऐसे ही मैं शिमला मिर्च और प्याज को करके भी फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूंगी। आप तंदूरी कुछ बनाने के लिए इस तरीके की सीखों का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये तो आपको ऑनलाइन अमेजन पे अच्छे से मिल जाएगी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये है, आपने बचपन में कॉटन कैंडी खाई होगी ना, उसकी स्टिक है वो, मैंने जो खाई थी मैंने सबको इकट्ठा कर लिया था। इनको मैंने पानी में रख लिया 1 घंटे तक, ये जले नहीं। अब इसमें भी हम आराम से पनीर टिक्का बना सकते हैं या मोमोज बना सकते हैं, जो भी हमें तंदूरी बनाना है वो बना सकते हैं। और अगर आपके घर में ऐसा लंबा जो पेचकस होता है वो है, तो उससे भी बना सकते हैं लॉकडाउन में, अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे। और जो लोग गाँव में हैं वो, उनको ये तो पता ही होगा, ये पूड़े होते हैं, हमारे हरियाणा में तो इनको पूड़े कहते हैं, राजस्थान में पता नहीं क्या कहते हैं, जो झाड़ी उगती है खेतों में, तो वो तोड़ के आराम से उनको कट कर कर इनको पानी में भिगो कर और अपना पनीर टिक्का चूल्हे पर बना सकते हैं, सिगड़ी में बना सकते हैं, पैन में सेक रहे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो इस तरीके से इनका यूज़ आप ले सकते हैं। तो मैंने खूब सारे यूज़ बता दिए कैसे आप कैसे बना सकते हैं, तो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को। और फिर भी अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे बता दीजिए। ये मुझे पड़ी थी, ये स्टिक्स 250 की मुझे अमेजन से पड़ी थी, 3 स्टिक आई हैं, ये बहुत अच्छी हैवी भी हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपको जैसे सही लगे आप वो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑसम वेदर है, आज बारिश हुई है, और यहाँ पे हमने ये लगा लिया है पनीर टिक्का के लिए, ऐसे परात में हमारा जुगाड़। आप चाहे तो चूल्हे में भी लगा सकते हैं, कैसे भी लकड़ी को जलाकर और ऐसे कोयले जो है उन पर। ये हमारा सारा सामान रेडी है, और इधर हमने चेयर लगा ली है, पापा जी बैठे हैं, इधर हमारा मोटा भी रेडी है, और अब मैं इस स्टिक में भी डालूंगी और इसमें भी डालूंगी, दोनों में मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगा ये। तो एक चीज़ आपका ध्यान रखनी है कि जो पनीर है उसके आगे पीछे कुछ लगाना है, क्योंकि पनीर क्या सॉफ्ट होके मूव होने लग जाता है, तो इसलिए हम बेस्ट ये रहेगा कि आप जो हमारे शिमला मिर्च है उसके स्लाइसेस के आगे पीछे लगा दीजिए, तो किनारों पर इसको नहीं रखना है। अब मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फूलों वाली स्टिक जो हमारे खेत में खड़े रहते हैं उस पर मैं इसको सेक रही हूँ, ऐसे घुमा घुमा के अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। छोटी बराती ली है मैंने ताकि मेरा हाथ सेफ रहे। अगर आप इसको पानी में नहीं रखेंगे तो 2 मिनट में स्टिक जल के स्वाहा हो जाएगी।
ये फ्रेंड्स, अब इसको हल्का सा सेकने के बाद मैं इसको बटर से कोट कर दूंगी, तो इसमें बहुत अच्छा इसमें कलर आएगा और अच्छे से सिकेगा। ये बटर से कोट करना जरूरी है। अब फिर हम इसको सेक लेंगे। हमारे पास फूकनी नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं मेरी स्टिक आगे से थोड़ी जल गई, क्योंकि मैंने उसको कोयले पे ही रख दिया था आलस करके। रेडी है स्टिक में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज और ये नींबू और अमचूर पाउडर डाल देंगे, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ, बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा मुझे बनाना है, अभी ये नहीं बना, बहुत बनाना है मुझे, और एक साथ इकट्ठा करेंगे। सो फ्रेंड्स अब इस स्टिक में मैं बना रही हूँ जो मैंने सीख मंगाई थी, अमेजन से ऑर्डर करी थी। अब मैं इस पे इसको सेक लूंगी अच्छे से। इसमें थोड़ी आसानी ज्यादा है, क्योंकि इसमें हैंडल है और ये गिरना टूटने का डर नहीं है। इस पे हम अच्छे से इसको सेक लेंगे घुमा घुमा कर। सो फ्रेंड्स, देखिए कितना यम्मी एंड डिलीशियस पनीर टिक्का रेडी है हमारे पास, एंड इट्स अमेजिंग। क्या बोलूँ मैं, वर्ड से कम है। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया, थोड़ा सा मैं और डालूंगी चाट मसाला, इसमें मैं ऐड करूंगी हरे प्याज, और बहुत हल्का सा नींबू का रस, और ये हमारा पनीर टिक्का चाट ही कह लो इसको रेडी है। बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको कर देंगे सर्व। ग्रीन चटनी के साथ अब हम इसको सर्व कर देंगे, और ये पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी है।